नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। युधिष्ठिर जैसा पूछने वाला और महर्षि लोमस जैसा कथा सुनाने वाला आपका भी सौभाग्य है कि महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं आपको सुनने को मिल रही हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज, जो समुद्र अगस्त्य ऋषि पान कर गए, फिर वो भरा कैसे? तो लोमस ऋषि कहते हैं, तानुवाच समेतांस्तु ब्रह्मा लोक पितामह गच्छध्वं विबुधा सर्वे यथा कामं यथेप्सितम्। यही प्रश्न लेकर के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे कि महाराज, सृष्टि की प्रक्रिया सुयोग्य रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि समुद्र में जल हो, क्योंकि अगर समुद्र में जल नहीं होगा तो स्थिति इस प्रकार की आ जाएगी कि बरसात हो ही नहीं सकती है। तो सृष्टि के संचालन हेतु ये जरूरी है। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि भैया, सब अपने अपने स्थान पे अपने अपने घर जाओ, समय आएगा और ये प्राकृतिक चीजें हैं वो प्राकृतिक रूप से ही पूर्ण होंगी जब उसका समय आएगा। फिर उन्होंने ये कहा, आश्वासन दिया कि ये कैसे पूर्ण होगा। जब समय आएगा तो भगीरथ इस पृथ्वी पे गंगा को लेके आएंगे और पुनः ये समुद्र जो है वो जल से परिपूर्ण होगा। युधिष्ठिर बोले, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं विस्तार से ये पूरी कथा सुनना चाहता हूं। तब लोमस ऋषि कहते हैं, इक्ष्वाकूणाम कुले जाता सगरो नाम पार्थिवः रूप सत्व बलोपेतः साचा पुत्रः प्रतापवान। इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक परम प्रतापी, रूप गुण सत्व सभी से संपन्न महाराज हुए। समस्या एक ही थी कि चा अपुत्रः प्रतापवान, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। सा है हयान समुत्साद्य ताल जंघांश भारत है वसेचा कृत्वा राजन्यान स्वराज्यम अन्वशासित। उसने है और ताल जंघ यानी पृथ्वी के बहुत बड़े भूभागों पे अपना कब्जा करके और पूरी पृथ्वी को एक क्षेत्र बना दिया था। संतान नहीं थी, दो पत्नियां थी, वैदर भी भरत श्रेष्ठ है सैव्याचा भरतर सभा, वैदर भी और शैव्या नाम की उनकी दो पत्नियां थी। अब कोई संतान नहीं होने के कारण सपुत्र कामो नृपति ही तप्यते इसमें महत्तपः। तब पुत्र प्राप्ति की कामना से उन सगर एक विशिष्ट प्रकार की तपस्या शुरू की, शिव की उपासना कर रहे हैं। शंकरम भव मीशानम शूलपाणिम पिनाकिनम त्रयंबकम शिव मुग्रेशम बहुरूप उमापति। शिव की उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या कर रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। सतम दृष्ट्वैव वरदम पत्नीभ्याम सहितो नृपः, और शिव प्रसन्न होकर के दोनों पत्नियों के साथ उनको दर्शन देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको वरदान देते हैं। षष्ठी पुत्र सहस्राणि सूरा परम दर्पिता एकस्याम संभविष्यन्ति पत्न्याम नरवरोत्तम। आपकी इन दो में से एक पत्नी से आपको 60,000 परम सूरवीर अभिमानी और पराक्रमी संतान उत्पन्न होंगे। ते चैव सर्वे सहिता क्षेम यास्यन्ति पार्थिवा। लेकिन वो 60,000 के 60,000 पुत्र समय आने पे मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वो आजीवन आपका साथ नहीं दे पाएंगे। एको वंश धरा शूरा एकस्याम संभविष्यति, और दूसरी जो पत्नी है उससे आपको एक ही संतान होगी और वो आपके वंश को चलाने वाली होगी। इस प्रकार से जैसे ही शिव से वरदान मिला है, आहा, महाराज सगर अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं, अपने नगर में वापस आए हैं, बहुत बड़ा उत्सव हुआ है। और उस उत्सव के बाद जैसा कि शिव का वरदान था, वैदर्भी चैव सैव्याचा गर्भिण्यौ संबभूवतु। वैदर्भी और शैव्या इन दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया है। वैदर्भी के गर्भ से वैदर्भी गर्भालाभुं व्यजायत, एक तुम्बी
जिसको हम गोल लौकी होती है, इस प्रकार की तुम्बी का जन्म होता है। देखिए बालक उत्पन्न होना है, उसकी जगह पे एक जो गोल गोल तुम्बी होती है, लौकी होती है, इस प्रकार की एक लौकी का जन्म होता है। सैव्याचा सुस्वे पुत्रम कुमारम देव रूपणम, और सैव्या जो है वो एक देव रूपी अत्यंत सुकुमार सुंदर पुत्र को जन्म देती है। अब उस लौकी का तो क्या करना, इसलिए तदा लाभुम सम सृष्टुम मन चक्रे च पार्थिव। राजा ने निर्णय किया कि भाई इसको फेंकवा दो, इसका क्या करना है, तुम्बी का क्या करना है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। राजन मा साहसम कार्षी पुत्रा ना त्यक्त मनरसी। अरे ये तुम्हारे 60,000 पुत्र हैं, आप इनको इस प्रकार से कैसे छोड़ सकते हैं, आप इनका त्याग इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। आप जाइए और ये जो तुम्बा है उस तुम्बे के अंदर जो बीज निकलेंगे, सोपस स्वदेशु पात्रेशु घृत पूर्णेशु भागशा, घी से भरे हुए पात्रों में आप उनका निक्षेप कीजिए। ततः पुत्र सहस्त्राणी षष्ठिम प्राप्स्यसि पार्थिवा, फिर आपको 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। महादेवेन दिष्टम ते पुत्र जन्म नराधिपम, महादेव ने आपको इसी प्रकार से 60,000 पुत्रों का पिता बनने का जो वरदान दिया है वो आपका वरदान पूरा होगा। जैसे ही ये बात सुनी है सगर महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं और उस लौकी में से, यानी वो जो तुम्बू अलाबू शब्द का प्रयोग किया गया है, वो जो तुम्बर जैसा उत्पन्न हुआ था उसमें से एक एक बीज को निकाला गया है। लोमस ऋषि कहते हैं एकैक सह ततः कृत्वा बीजम बीजम नराधिपा, उसमें से ढूंढ ढूंढ के एक एक बीज को अलग किया गया है। घृत पूर्णेशु कुंभेशु तान भागान विदधे तथा, और घी से भरे हुए घड़ों में उन एक एक भाग को रख दिया गया है। देखिए ये सगर और उनके 60,000 पुत्रों की कथा, अंशुमान की कथा, भगीरथ की कथा, गंगा अवतरण की कथा, ये सारी कथाएं वाल्मीकि रामायण में आ चुकी हैं। एक दर्शक हैं, उन्होंने ये प्रश्न भी किया था कि आपने सगर के 60,000 पुत्रों की बात की लेकिन उनकी जन्म कैसे हुए ये कथा आपने नहीं बताई है। तो देखिए महाभारत में जब हम जाते हैं तो यद इहास्ति तद अन्यत्र अन्य हास्ति न तद क्वचित, वाल्मीकि रामायण की जो भी कथाएं हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। रामचरित्र भी आ जाएगा, परशुराम चरित्र भी आ जाएगा, ऐसी जितनी कथाएं वो सब यहाँ आ जाएंगी और कुछ चीजें जो वहां रह गई हैं वो यहाँ जुड़ जाएंगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां विशिष्ट हैं। तो आपको दोनों तरफ की वीडियो देख करके ये आनंद मिल सकता है। तो उन 60,000 घड़ों की सुरक्षा और उसकी जवाबदारी के लिए धात्री चैकैक सह प्रादात पुत्र रक्षण तत्परा, एक एक दासी की नियुक्ति की गई है जो एक एक पुत्र को जो घड़े में वो बीज रखा हुआ है घी के घड़े में उसकी रक्षा में तत्पर हो जाते हैं। और इस प्रकार से महाराज के यहां 60,000 पुत्रों का जन्म होता है। सगर जो निसंतान थे 60,000 पुत्रों के एक साथ पिता बनते हैं और एक उसके अलावा और पुत्र उनके यहां हुआ है। ते घोरा क्रूर कर्माण आकाश परिशर्पिण बहुत्वाचा वजानंत सर्वालोकान सहामरान। एक तो 60,000 की संख्या है, सब एक तरीके के बलशाली, सब एक तरीके के शक्ति संपन्न, क्रूर कर्म करने वाले, आकाश में भी उड़ के जा सकते हैं, अपार शक्ति है उनके अंदर। और इतनी बड़ी संख्या है कि 60,000 इतनी बड़ी सेना तो किसी के ऊपर आक्रमण कर दे तो कोई बच ही नहीं सकता है। देवता भी उनसे घबराने लग जाते हैं और देवता जाकर के प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से कि महाराज ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, ये 60,000 सगर के पुत्र जो हैं ये किस प्रकार से, ये तो इस पृथ्वी को ही नहीं टिकने देंगे क्योंकि ये तो पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मचा रखा है, लोग त्रस्त हो गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं। देखिए ऐसे नहीं है कि यज्ञ यागादि विध्वंस करते हैं, राक्षस नहीं है, लेकिन मनुष्य में भी क्रूर स्वभाव वाले लोग होते हैं ना, कि दूसरों को सुखी नहीं देख सकते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो यज्ञ यागादि नष्ट नहीं करते लेकिन लोगों को तो परेशान करते हैं, क्योंकि दर्प जो होता है, अभिमान जो होता है, वो व्यक्ति को गलत काम करने के लिए प्रेरणा दिया करता है।
तब उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने नाति दीर्घेण काले ने सागराणाम क्षयमान, भाई ये बहुत लंबा आयुष्य लेके इस पृथ्वी पे नहीं आए हैं, बड़ी जल्दी ही सगर के इन पुत्रों का विनाश हो जाएगा। भविष्यति महाघोरा स्वकृत ही कर्म भी सुरा, उनके अपने कर्मों के कारण ही उनका विनाश हो जाएगा। देवता अपने अपने स्थान को चले गए हैं। इधर समय आता है और महाराज सगर जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए हैं। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। अश्वमेध यज्ञ के अश्व की सुरक्षा में 60,000 पुत्र लगे हुए हैं। उन 60,000 पुत्रों को इस प्रकार से यज्ञ की रक्षा में लगा देख करके निश्चिंत सगर महाराज जो हैं वो पूरे विधि विधान पूर्वक 100वें अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेते हैं। वो घोड़ा विचरण करता करता समुद्र के किनारे जाता है और अचानक 60,000 राजकुमारों को पता ही नहीं चलता है कि वो घोड़ा चला कहां गया। बहुत उन्होंने उस अश्व को ढूंढा लेकिन वो अश्व उनको कहीं नहीं मिलता है। तब वो अपने पिता के पास आते हैं और पिता से कहते हैं कि पिताजी क्या बताएं, कहां गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो पिता को बड़ा गुस्सा है कि 60,000 पुत्र और एक घोड़े की रक्षा ना कर पाए, तो ऐसे पुत्रों का होना ना होना एक जैसा है। तो कहते हैं अनागमाय गच्छध्वम भूयो मार्गतवाजिनम यज्ञियम तम विनाहेश्वम नागंतव्यम ही पुत्र का। अगर तुम हमारे पुत्र हो तो अभी यहां से निकल जाओ और जब तक यज्ञ के उस अश्व को ढूंढ नहीं लेते हो, उसको अगर लेके नहीं आते हो, तो फिर वापस घर कभी नहीं आना। देखिए कई बार आक्रोश में माता पिता संतान से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर दिया करते हैं, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि माता पिता के कहे हुए शब्द जो हैं वो सार्थक हो जाते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक माता पिता से ये निवेदन करता हूं कि आप कभी भी अपनी संतान के लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। उसके लिए जब भी बोलें अच्छा बोलें, शुभ बोलें, उसका कल्याण हो, ऐसी बातें कहें। उसको कभी भी कुछ कहते हैं तो ऐसा कहें कि जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण होगा, जाओ बेटा तुम्हारा अच्छा होगा। जब भी आप ये कहते हैं कि तेरा तो ऐसे ही कुछ नहीं होने वाला है, तो आप ये समझिए कि ये चीज जो है उसके मस्तिष्क पर असर करती है और इससे आपका जो आशीर्वाद है, आप किसी भी मन से उससे ये बात कह रहे हैं, और विशेष करके जब क्रोध में आकर के आप कुछ कहते हैं तो उसका विशेष असर होता है। इसलिए नहीं करना चाहिए। यहां महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से ये कह दिया कि जाओ अनागमाय गच्छत्वम, वापस नहीं आओगे, चले जाओ यहां से। यज्ञियम तम विनाहेश्वम नागंतव्यम ही पुत्र का। अगर तुम हमारे पुत्र हो तो उस यज्ञ के अश्व को लिए बिना वापस नहीं आओगे। अब तो 60,000 पुत्र क्योंकि पिता की ऐसी आज्ञा है निकल पड़ते हैं। उन्होंने पृथ्वी को तहस नहस कर दिया है। समुद्र उस समय जल तो था नहीं, समुद्र में पूरे समुद्र को खोद डाला है चारों तरफ। उन्होंने हाहाकार लोग मचाने लग गए हैं और फिर उनको एक समुद्र में से मार्ग दिखाई देता है, एक विवर दिखाई देता है और वो नीचे पाताल लोक में पहुंचते हैं और वहां क्या देखते हैं कि एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और उनके बगल में वो घोड़ा खड़ा। रामायण में ये कथा थी कि इंद्र ने अश्व को चुरा करके वहां कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के उसको बांध दिया था। अब जैसे इन 60,000 पुत्रों ने उस अश्व को देखा है, इनके आनंद का पारावार नहीं रहा, क्योंकि देखिए आप पिता ने कह ही दिया था कि जब तक घोड़ा नहीं मिले वापस नहीं आना। अब घोड़ा मिल गया है तो एक आनंद है। तेतम दृष्ट्वा हयम राजन संप्रहष्टा तनु रुहा, एक एक शरीर में एक एक रुआटी खड़ी हो जाए, ऐसा रोमांच उनको हुआ है, अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। और जब व्यक्ति अत्यंत क्रोध में होता है या अत्यंत आनंद में होता है तो उसकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है और उसी आनंद के क्षण में वहां बैठे हुए ऋषि को ही उस घोड़े का चोर मान करके संक्रुद्धा संप्रधावंत अश्व ग्रहण कांक्षिणा, इस घोड़े के लिए इन्हीं ने यह किया है, उनके ऊपर आक्षेप करते हैं, उनके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं। तथा क्रुद्धो महाराज कपिलो मुनिषत्तमा, ऐसी स्थिति में उन कपिल मुनि को क्रोध आ जाता है। ये कपिल मुनि और कोई नहीं है, साक्षात विष्णु के अवतार हैं। जो 24 अवतार विष्णु के कहे गए हैं उनमें एक अवतार कपिल अवतार भी माना गया है। तो यहां पे
महर्षि लोमस कहते हैं, वासुदेवेति यम प्राहु कपिलम मुनि पुंगव, जिन मुनि श्रेष्ठ को स्वयं वासुदेव यानी विष्णु माना जाता है, सा चक्षुर विकृतम कृत्वा तेजस तेसु समुत्सृजन। उनको क्रोध आया, उन्होंने अपनी नजर तिरछी की और उन आंखों से जो तेज निकला उससे 60,000 के 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। हमारे यहां नारद मुनि बड़े ही विशिष्ट पात्र हैं। वो तुरंत ही महाराज सगर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समाचार देते हैं कि आपका घोड़ा तो वापस नहीं आया, आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा क्योंकि आपके 60,000 पुत्र जल के मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तब सगर मुनि ने, अंशुमंतम समा हुई है असमंजस सुतः तथा पौत्रम भरत शार्दूले इदम वचनम अब्रवीत। जो उनका दूसरा पुत्र असमंजस था, 60,000 के अलावा जो शैव्या से उत्पन्न हुआ था पुत्र, उसके पुत्र अंशुमान को बुलाया है और उनसे ये कहा है। क्या कहा? षष्ठिस्तानि सहस्राणि पुत्राणाम अमितौजसाम कापिलम तेज आसाद्य मत्कृते निधनम गतः। तुम्हारे 60,000 जो पितृवे थे, पिता की तरह जो आपके चाचा थे, वो 60,000 का विनाश हो गया, मेरे 60,000 पुत्र मर गए हैं। तब चापी पिता था और तुम्हारे पिता जो हैं उनका मैंने परित्याग कर दिया है, तो आज की तारीख में मैं निस्संतान हूं। इसलिए हे पौत्र, ये तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करवाओ। तब युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज, 60,000 पुत्र थे, एक और पुत्र था असमंजस, और वो कह 60,000 मर गए, वो कथा तो सुन ली, लेकिन ये असमंजस का परित्याग क्यों किया था, वो कथा हमें आप विस्तार से बताइए। मैंने कहा, युधिष्ठिर जैसा श्रोता हो और लोमस जैसा वक्ता हो तो फिर तो कथा रुकती नहीं है। तुरंत ही लोमस ऋषि ने कहा कि असमंजस इति ख्याता सगरस्य सुतो यभूत। असमंजस नाम का जो उनका एक पुत्र था, यम शैव्या जनयामा से पौराणाम सही धारका, जिसको शैव्या ने जन्म लिया था, वो इतना आतताई था कि बच्चे जो खेल रहे होते थे गले से उनको पकड़ के क्रीडता सहसा साध्य तत्र तत्र महीपते, उनको खेलते हुए देख के गले से क्रोध तो गृह नद्याम चिक्षेप दुर्बला, उन छोटे छोटे बच्चों को जो बाहर खेल रहे होते थे गले से पकड़ता था और नदी में फेंक देता था, बेचारे डूब के मर जाते थे। जब लोगों ने जाकर के राजा के पास ये प्रार्थना की कि महाराज, आपके इस पुत्र ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा, हमारी संतानों की इस प्रकार से हत्या कर दिया करता है, असमंजाह पुरा अद्य सुतो में विप्रवास्यता, तो महाराज सगर ने अपने सचिवों को आज्ञा दी, यदवो मत प्रियम कार्यम इच्छे शीघ्रम विधीयता, अगर आप लोग हमारा प्रिय चाहते हैं तो मेरे पुत्र असमंजस को इसी समय देश से निकाल दिया जाए। इस प्रकार से असमंजस का उन्होंने परित्याग कर दिया था, 60,000 पुत्र मर गए हैं। अब ये जवाबदारी अंशुमान के कंधे पे आई है, देखिए वो इस जवाबदारी को कैसे पूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में ये कथा सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही है। आनंद भी।